नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्मे ई क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स की प्यारे बच्चों, और लास्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्यारे बच्चों। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, चलो बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले टॉपिक में आपने बात की थी प्यारे बच्चों कि जब आप किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को रखते थे प्यारे बच्चों, तो उस डाइपोल पे टॉर्क लगता था, उस डाइपोल पे प्यारे बच्चों टॉर्क, वो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। ये माइनस क्यों होता था, ये प्लस क्यों, यहां कहीं प्यारे बच्चों सेंटर होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, और ये इनके बीच में प्यारे बच्चों थीटा, यहां ये एंटी क्लॉकवाइज प्यारे बच्चों रोटेट करता था। यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि ये यहां से यहां है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। याद रखना जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन होती है जब आप पी टू ई चलते हैं, पी टू ई, यानी कि जब पी टू ई चलेंगे तो उधर ही डायरेक्शन होगी टॉर्क के प्यारे बच्चों, क्योंकि जो टॉर्क आया था वो आया था पी क्रॉस ई। और आप सभी जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता प्यारे बच्चों, यानी कि आप इसको होल्ड नहीं कर सकते या फिर यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब यदि हम टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो हमेशा पी टू ई, यानी कि जैसे मूवमेंट पी टू ई, ऐसे राइट हैंड रूल पी टू ई, पी टू ई, यानी कि ये P की डायरेक्शन थी, ये E की, तो इधर से चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया था प्यारे बच्चों। अब सपोज कीजिए कि यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेता और यहां कहीं माइनस, और यहां कहीं प्यारे बच्चों मैं प्लस ले लेता, माइनस ले लेता प्यारे बच्चों यहां पे ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहां मैं कहीं एक डाइपोल इसमें डालता प्यारे बच्चों ऐसे। अब यदि ये डाइपोल डालता मैं और अब मैं डायरेक्शन की बात करता तो यदि ये होता प्यारे बच्चों माइनस क्यों, और ये होता प्यारे बच्चों प्लस क्यों, और यहां ये डायरेक्शन ई की होती, ये डायरेक्शन पी की, और ये थीटा होता, सोचिए अब क्या होता, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब प्यारे बच्चों ये क्लॉकवाइज रोटेट करता, पी टू ई, पी टू ई, पी टू ई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इनवर्ड होता प्यारे बच्चों। पर यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज फ्रॉम पी टू ई, पी टू ई, और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कंसेप्ट क्लियर करना प्यारे बच्चों, कई बार बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं वो ये वाला डायग्राम बना के कह देते हैं कि टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, कई बार ये वाला डायग्राम बना के कह देते हैं कि जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आप एक जगह रुकना मत कि हमेशा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही होगी, यू हैव टू सी दैट कि दिस इज फ्रॉम पी टू ई, दिस इज इन दिस केस दिस इज क्लॉकवाइज, और इन दिस केस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो हमारा टॉपिक है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइपोल मूव करता है और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, लेट ये किसी पर्टिकुलर घूमता हुआ किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाए, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये आ गया प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि जब एक डाइपोल एक टॉर्क के इफेक्ट में किसी फील्ड में रोटेट करता है, और रोटेट करता हुआ सपोज कीजिए कि यहां से उसने रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करता हुआ वो यहां तक पहुंच गया, तो यहां से यहां तक उसे ले जाने में वर्क डन तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। फोर्स भी मूव करता है, फोर्स की सहायता से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह जब टॉर्क ने इसको रोटेट किया तो वर्क डन तो टॉर्क ने भी किया ना प्यारे बच्चों, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा प्यारे बच्चों एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी होती है, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजिशन. इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजिशन. कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी पोजेस करता है डाइपोल उसकी पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसे क्या बोलते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी. चलो इसे कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों. और आपको पता है चाहे कोई भी एनर्जी कैलकुलेट करें मुझे वर्क डन निकालना होता है और उस वर्क डन को ही मैं एनर्जी के इक्वल रख देता हूं. तो बेसिक यहां करना क्या है, हम वर्क डन निकालेंगे टॉर्क के द्वारा इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करने के लिए. छोटी सी डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, फटाफट खत्म करते हैं. मान लेते हैं कि थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ा थोड़ा सा एंगल चलाने के लिए. यानी कि सपोज कीजिए इसको ही मैं डी थीटा बोल देता हूं कि यहां से यहां तक मूव कराने में टॉर्क को डी डब्ल्यू यानी कि थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ा थोड़ा सा एंगल बदलने के लिए. जिस तरह प्लस वन क्लास में करते थे एफ डॉट डी आर, दिस इज फोर्स और दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. बट आज फोर्स ना होके प्यारे बच्चों टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट ना होके एंगल का कन्वर्जन है यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. तो स्मॉल वर्क, यदि कंप्लीट वर्क डन निकालना है प्यारे बच्चों तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे और इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा. मान लेते हैं कि थीटा वन से लेकर थीटा टू तक. यानी प्यारे बच्चों हमने सपोज करो कि मैं 90 से चला तो कहाँ जाऊंगा, जीरो से चला तो थीटा वन मतलब पहला एंगल क्या है और वो फाइनल एंगल आप उसे कहाँ तक ले जा रहे हैं प्यारे बच्चों. थीटा वन से लेके थीटा टू तक मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया. ये प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ टॉर्क की वैल्यू डालेंगे, आप सभी को पता है दिस इज पी साइन थीटा होती है प्यारे बच्चों, थीटा वन से लेके थीटा टू तक. तो W प्यारे बच्चों आ जाएगा पी ई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं माइनस कोस थीटा होता है प्यारे बच्चों, दिस इज माइनस कोस थीटा, थीटा वन टू थीटा टू. ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों कि हम ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्यारे बच्चों ऐसे. तो ये एक तरह से प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे ऐसे. और जो वर्क डन आने वाला है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, दिस इज योर वर्क डन प्यारे बच्चों. यानी कि ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, दिस इज वर्क डन कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू. एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, माइनस पी ई बोल के अंदर चलते हैं इसके और इसको कर देते हैं कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन. ये वर्क डन आ गया प्यारे बच्चों. न्यूमेरिकल्स आप इस टॉपिक पे कर सकते हो प्यारे बच्चों. वो बोल सकता है आपको कि ये डाइपोल मोमेंट है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मैं 60 to 90 मुझे रोटेट करना है. 62 मींस यहां 60 प्यारे बच्चों और यहां 90 पुट करेंगे. कोस 90 आपको पता है जीरो हो जाएगा तो कोस 60 की वैल्यू निकलेगी, उसको एडजस्ट करके आप बड़ी आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं. बाद में जब मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पूरे चैप्टर के पूरी यूनिट के कराऊंगा तब मैं इसके एक दो न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस भी करूंगा प्यारे बच्चों. ये हुआ एक जनरल फॉर्मूला. इसका स्पेशल केस उठा लेते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि हम बात कर लेते हैं इसके स्पेशल केस की. यदि मैं इसके स्पेशल केसेस की बात करूं प्यारे बच्चों तो आपको पता ही है. सबसे पहले केस में मैं मान लेता हूं यहां पे थोड़ी देर के लिए कि थीटा टू क्या है 90 डिग्री और थीटा वन को मान लेता हूं प्यारे बच्चों ओनली थीटा. किसी भी एंगल से चला और मुझे 90 तक जाना है. यानी कि सपोज कीजिए कि यहां से मैंने डाइपोल को उठा के मुझे वो 90 तक घुमाना है ऐसे. यू हैव टू रोटेट लाइक दिस, जीरो से यानी कि थीटा वन तो 90 था प्यारे बच्चों, यानी कि यहां मान के चलिए कि डाइपोल था 90 एंगल पे और फिर 90 पे सॉरी मुझे लेके जाना है, यहां वो कहीं था थीटा एंगल पे, ये वाला ये थीटा एंगल था, इसको रोटेट करके मैं 90 तक लेके आऊंगा प्यारे बच्चों.
तो यानी कि यदि थीटा वन को 90 मान लूं और थीटा टू को सॉरी थीटा टू को 90 और थीटा वन को ओनली थीटा, कोई भी एंगल मींस प्यारे बच्चों किसी भी एंगल से मुझे उस डाइपोल को 90 डिग्री तक लेके जाना है, किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है प्लस टू माइनस, तो मुझे डाइपोल माइनस टू प्लस ऐसे एडजस्ट करना है 90 पे। पहले सपोज करो यहां डाइपोल था, तो उस डाइपोल को मुझे रोटेट करके यहां तक लेके आना है प्यारे बच्चों। तो हम करते हैं यहां पे थीटा टू को जीरो डाल देते, तो कोस थीटा यानी कि कोस 90 तो जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, और जो कोस थीटा वन है प्यारे बच्चों वो आपका मैंने थीटा माना, तो वो हो जाएगा ओनली कोस थीटा प्यारे बच्चों। और ये जो वैल्यू बन के आएगी ये आ जाएगी प्यारे बच्चों की वर्क डन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दिस इज पीई कोस थीटा इन दिस केस, इन दिस केस ये तो खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये माइनस बार आके प्लस हो जाएगा, और कोस थीटा प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं वो मैंने थीटा बोला है। यानी कि मैंने क्या किया है, थीटा से स्टार्ट करके कहीं पे भी गए। इसको उल्टा करते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 90 से, यहां रखा है उसको रोटेट करेंगे किसी भी एंगल तक लेके जाएंगे, किसी भी एंगल तक, यानी कि थीटा टू को आपकी बार हमने क्या कर दिया, थीटा पुट कर दिया प्यारे बच्चों। आप सभी समझदार बच्चे हैं, तो यहां से यदि हम बात करेंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों माइनस पी ई कॉस थीटा, और इट मीन्स ये आया प्यारे बच्चों पी ई का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जब पीछे कॉस थीटा लगा होता है प्यारे बच्चों तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ये था प्यारे बच्चों आपका वर्क डन, और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा प्यारे बच्चों एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वैल्यूज पुट करके स्पेशल केसेस में ये दो वैल्यू आ सकती हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यदि मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे केवल टॉर्क मिलता है, पर यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द टॉर्क ऑन द डायपोल, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स अस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, यानी कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मुझे डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं देके डॉट प्रोडक्ट देता है प्यारे बच्चों। यानी कि डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हमें पोटेंशियल एनर्जी देता है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट प्यारे बच्चों हमें टॉर्क देता है। ये था प्यारे बच्चों आपका छोटा सा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपका डायपोल रखा है तो उसके ऊपर टॉर्क कैसे काम करता है, उसको पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों कैसे देता है। ये था। अब याद रखना टॉर्क आपका वेक्टर होता है, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर ही तैयार होता है, और याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी आपको पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी आपको देता है। ये था प्यारे बच्चों आपका छोटा सा ये चैप्टर जो हमने खत्म कर दिया प्यारे बच्चों। ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों हम चलेंगे, तो वो चलेंगे हम प्यारे बच्चों पोटेंशियल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों।